आगरा थिएटर क्लब व रंगलोक एकेडमी ऑफ फिल्म एंड थिएटर आर्ट्स नोएडा के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नाटक अग्नि और बरखा का मंचन हुआ। यह नाटक महाभारत के वन पर्व की एक कथा पर आधारित है और दर्शकों की सामूहिक चेतना को झकझोर देने का प्रयास करता है। आगरा थिएटर क्लब व रंगलोक एकेडमी ऑफ फिल्म एंड थिएटर आर्ट्स नोएडा के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नाटक अग्नि और बरखा का मंचन हुआ। यह नाटक अकादमी के छात्रों के साथ प्रशिक्षण के दौरान तैयार किया गया। यह नाटक महाभारत के वन पर्व की एक कथा पर आधारित है। इस नाटक को चुनने का कारण समझाते हुए निर्देशक सारांश भट्ट ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझते हुए आम जनमानस की संवेदनशीलता और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। नाटक भी एक ऐसे समय की बात करता है जब वर्षा न होने पर अकाल के समय आम जन त्राहिमाम कर उठा। हम उसका एक टेस्ट ट्रायल करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक ताज सॉरी आगरा थिएटर क्लब ऑर्गेनाइज किया है और इसके अंदर हम आगरा को कई चीज़ें पेश करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले हम एक थिएटर पेश कर रहे हैं रंग लोक के एसोसिएशन के संग, और ये गिरीश कर्नाड जी का प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले है अग्नि और बरखा। अग्नि और बरखा के ऊपर एक बड़ी फिल्म भी बन चुकी है और उसका नाम था अग्नि बरसा। अब ये प्ले महाभारत के ऊपर बेस्ड है और आज की समस्याएं और उस टाइम की समस्याओं का मेल है और ये माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसको देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आगरा वालों को ये थिएटर पसंद आएगा और हम लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम आगे आगरा के लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स पेश करें। वर्षा की अभिलाषा लिए राज्य में अग्नि होम का महायज्ञ आयोजित किया गया, परंतु इस अनुष्ठान के नायक इस आपदा के समय भी अपने प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा की भावना का परित्याग नहीं कर पाते और अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु ही करते हैं। जब वर्षा के देवेंद्र और कौन द्रवित कर सकता है, आम जन की भलाई हेतु कौन अपनी सर्वप्रिय अभिलाषा का बलिदान देकर सबका नायक बन सकता है, ऐसे समकालीन प्रश्नों का उत्तर खोजता यह नाटक समसामयिक हो जाता है और दर्शकों की सामूहिक चेतना को झकझोर देने का प्रयास करता है। नाटक की परिकल्पना व निर्देशन सारांश भट्ट ने किया। संगीत अभिकल्पना अकादमी के निर्देशक डिम्पी मिश्रा और नृत्य संयोजन व प्रकाश परिकल्पना गरिमा मिश्रा ने की। नाट्य प्रस्तुति के उपरांत आयोजन समिति के हरविजय सिंह वाहिया, वेद पालधर, रोली सिन्हा, वत्सल प्रभाकर व राममोहन कपूर ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नाट्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कलाकारों का धन्यवाद दिया।